नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ना स्लॉट ना डोज, वैक्सीनेशन कैसे? तो झारखंड में 18 से 44 वर्ष के आयु के नागरिकों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस आयु वर्ग के लोग, खासकर युवा, लगातार कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन 1 मई से इनका टीकाकरण शुरू होने पर अभी संशय बरकरार है। ना तो स्लॉट आवंटित हुआ, ना ही टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट मिला, जिससे युवा निराश नजर आए। तो इस पर हमसे चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ चुके हैं। तो लाइव आप बने हुए कुंदन जी हमारे साथ, आपसे ये जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से ये अभी जो कमी देखी जा रही है वैक्सीन की, क्योंकि ना डोज अवेलेबल है ना ही स्लॉट्स है, तो ऐसे में ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन कैसे की जाएगी, क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है? देखिए सुरभि, 16 जनवरी को जब से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, उसके बाद सबसे पहले 60 साल से ऊपर के लोगों के टीका दिया जाना शुरू किया गया, और उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण किए गए। पहले चरण में जहां फ्रंट वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, इन तमाम लोगों को टीका दिया गया। अब जाकर तीसरा चरण जो शुरू होना था 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए, तो उसमें एक बाधा यह आ रही है कि जिस संख्या में टीका की जरूरत पूरे देश में है, या देश के विभिन्न राज्यों में जिस संख्या में टीका के डोज की जरूरत है, टीका मुहैया नहीं कराए गए हैं। अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में 2200 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान किया जाना है, और ऐसे में प्रति केंद्र जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, 100 टीका प्रति केंद्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्रतिदिन के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, प्रतिदिन जो खपत है वो लगभग 2.25 लाख का है, वो लगभग 2.25 लाख के आसपास टीका की जरूरत है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के पास, जो हमें जानकारी मिली है, महज 6 लाख डोजेज अभी राज्य सरकार के पास हैं, और अगर उस रफ्तार से टीकाकरण किया गया तो मात्र 3 दिन से कम का खुराक राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। राज्य सरकार ने जहां अपने स्तर से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों कंपनियों से सीधा खरीद की कोशिश की है, और इन दोनों कंपनियों से जो राज्य सरकार को जवाब मिला है, वह जवाब थोड़ा सा चिंताजनक है। इन दोनों कंपनियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्पादन जो है दोनों कंपनियों का, उसके लिहाज से राज्य सरकार को मई महीने के तीसरे सप्ताह में ही टीका उपलब्ध कराया जा सके। के द्वारा जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत शुरू करने की बात कही गई थी, अब केंद्र सरकार इसमें किस तरीके से बीच बचाव करता है और तमाम राज्यों को किस तरीके से टीका के डोज मुहैया कराता है। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने 1 मई से शुरू हो रहे अभियान को मुलतवी कर दिया है, उसको आगे के लिए टाल दिया है, और स्पष्ट इन राज्यों ने अपनी जनता को स्पष्ट कर दिया है कि टीका के डोज उपलब्ध होने के बाद ही वहां पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका दिया जाएगा। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और टीका निर्माता कंपनियों के बीच में जो आप एक तरीके से कहते हैं संवादहीनता की स्थिति हुई है, और या कह सकते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, उसने कहीं ना कहीं देश की जनता के बीच में, राज्य की जनता के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है। अब जहां कल से लोग टीका लेने के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं कोविन पर या आरोग्य सेतु ऐप पर, उनके बीच में भी असमंजस की स्थिति है। रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, लेकिन ना ही टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है, ना ही टीका केंद्र अलॉट हो पा रहा है। तो ऐसे में एक विकट स्थिति तो अवश्य पैदा हो गई है। सुरभि जी, बिल्कुल कुंदन जी, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे भी लोग शिकायतें लेकर के आ रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से अभी भी रूबरू नहीं हो पाई है। लेकिन वहीं अगर ये देखा जाए कि जो बन्ना गुप्ता जी है स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने एक ट्वीट साझा करते हुए, इस ट्वीट में भी लिखा, जिक्र किया कि हमने 25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन जब हम भारत बायोटेक से या फिर सीरम इंस्टीट्यूट से बातचीत करते हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी हमें वैक्सीन बनाने में मई तक के आखिर का समय लग जाएगा। तो ऐसे में
उन युवाओं में तो निराशा बनती है, क्योंकि युवा तो निराश हो रहे हैं। यह है कि केंद्र सरकार ने किन परिस्थितियों में यह दिशा निर्देश जारी किया कि 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी, और आज की तारीख में पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो परिस्थिति बन पड़ी है, उस परिस्थिति की अगर हम बात कर लें तो टीका ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है जो कोरोना संक्रमण से हमें बचाने में सक्षम है। और जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने या बाकी दूसरे लोगों की माने, तो टीका के दोनों खुराक लेने के 12 दिन के बाद ही कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से सुरक्षित हो पा रहा है। तो जहां लोगों को अपने जान का डर बना हुआ है, लोग जल्दी से जल्दी टीका ले लेना चाह रहे हैं, वैसे में टीका निर्माता कंपनियों की तरफ से राज्यों से सीधा संबंध और संपर्क स्थापित करके जो संवाद किए जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर हैं। अब केंद्र सरकार ने किस आधार पर यह दिशा निर्देश जारी किया था, केंद्र सरकार और टीका निर्माता कंपनियों के बीच में किस तरीके की बातचीत हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या यह है सुरभि कि टीका निर्माता कंपनियों ने जिस तरीके से इसकी कीमतों को लेकर असमंजस पैदा कर रखा था लोगों के बीच में, केंद्र सरकार को किसी और कीमत पर टीका मुहैया कराए जाने की बात हो रही थी, राज्य सरकारों को किसी और कीमत पर टीका मुहैया कराए जाने की बात हो रही थी, और निजी अस्पतालों को कीमतें कुछ और रखी गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार को मुहैया कराए जाने वाले टीकों की कीमतों में कमी कर दी जाती है, जहां पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन ने सबसे पहले अपनी कीमतों को 600 से घटाकर 400 रुपए की कीमतों को 600 से घटाकर उन्होंने 300 रुपए कर दिए। तो यह तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपाधापी की तरफ इशारा कर रही हैं, कहीं ना कहीं संवादहीनता की तरफ इशारा कर रही हैं, और सबसे अहम बात जनता के बीच में एक बहुत बड़ी दुविधा और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सुरभि, ठीक कुंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आलोक दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। आलोक दुबे जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि झारखंड में लगातार राज्य सरकार वहां से केंद्र सरकार से अपील कर रही है, ट्वीट भी कर रही है कि हमने तो 25 लाख डोजेस के ऑर्डर दे दिए हैं, वैक्सीन आने जरूरी है, लेकिन अगर आलोक जी बात की जाए कि केंद्र से सहायता मुहैया नहीं हो रही है, कितनी सच्चाई आपको इसमें नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार अपनी शिकायत केंद्र तक पहुंचा रही हैं। आलोक जी देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको मालूम होगा, जैसा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के युवाओं की जनसंख्या लगभग 1,47,00,000 है। अगर उसमें 25 लाख लोग अपने सामर्थ्य पर वैक्सीन ले लेंगे तो भी बचते हैं 1,20,00,000 नौजवान। 400 रुपए वैक्सीन के दर से लगभग 400 अरब रुपए जो है ये राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये फैसला किया कि हम अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देंगे। जी, अब वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लगातार जो संदेश आ रहे हैं और बयान आ रहे हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। वो कह रहे हैं कि 15 मई तक तो हम केंद्र सरकार को दे सकते हैं, राज्यों को देने में उन्होंने पूरी तरह से असमर्थता जाहिर की है। अब जो ये नौजवान है 18 से 44 वर्ष, दे आर वेरी मच एक्साइटेड कि हमको मेडिसिन वैक्सीन लेना है और उसके लिए कहीं आपाधापी न हो जाए इसका भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार की सहायता और केंद्र सरकार के सिस्टम की बहुत जरूरत है हमें। तो अब आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार कहां पर खड़ी है राज्यों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की दिशा। कल एक हमारे रिश्तेदार है भोपाल में, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी यहाँ वैक्सीन समाप्त हो गए हैं, वैक्सीन नहीं है मौजूद।
जो वहां की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो वैक्सीन की उपलब्धता इनको करनी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब रह गई सहायता की बात, तो सहायता की बात तो माननीय कोर्ट मद्रास ने भी आपने उनकी टिप्पणी को सुना है कि क्यों नहीं इनके ऊपर में जो है वो जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जिस सरकार का रहनुमा चुनावों में व्यस्त रहा हो और राज्यों को देश को उनके भगवान के भरोसे छोड़ दिया हो, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मुकम्मल तैयारी नहीं। पर किसने भगवान भरोसे छोड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार कोशिशें कर ही रही है कि तमाम राज्यों को जो भी मदद हो सके केंद्र सरकार की तरफ से वो मुहैया कराई जाए। वो आप समझ रही हैं, आपको भी जानकारी है इस बात की कि केंद्र सरकार कितना साधन और सुविधाएं मुहैया करा रही है, और पहले फेज और दूसरे फेज के बीच में जो हमें समय मिला था जी, हमने उसकी कितनी तैयारियां की और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ये भी मालूम। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जहां कोरोना ने पूरा तूफान मचा दिया था, उन्होंने अपने कोरोना महामारी पर नियंत्रण कर लिया और हम अनियंत्रित हो गए, और ईश्वर न करे जो भयावह स्थिति है। आज की अगर आप रिपोर्ट देखें तो कई महान हस्तियों को हमने खोने का काम किया है। चलिए ठीक, आलोक जी, इससे यही मैं समझूंगी कि आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव नहीं होते, इतनी रैलियां नहीं होती, तो ये आज जो भयावह दृश्य जो हमें देखने मिल रहा है वो ना होता। कुंदन जी, लौटूंगी मैं आपके पास, क्या वाकई आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं जिस तरीके से आलोक दुबे जी ने कह दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कमियां तो रही हैं, नहीं तो इतना तमाम जो राज्य है उन्हें झेलना ही ना पड़ता और ये भयावह रूप ना देखने को मिलता कोरोना का। देखिये सुरभि, एक सवाल तो है, वह सवाल घूम फिर कर अभी तक मैं उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया हूँ कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, भूटान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, जितने देशों की बात कर लें जो हमारे पड़ोसी देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात कर लें या एशियन देशों की बात कर लें, इन किसी भी देश में कोरोना महामारी ने ऐसा विकराल रूप नहीं ले रखा है जिस तरीके से भारत पे इसने लिया हुआ है। आखिर क्या वो हमसे बहुत ज़्यादा साधन संपन्न हैं? क्या हमसे ज़्यादा साक्षर देश हैं? क्या हमसे ज़्यादा अमीर देश हैं? क्या वजह है कि इन तमाम देशों में किसी भी तरीके से कोरोना के इस दूसरे स्ट्रेन ने उस तरीके से खतरा नहीं पैदा किया हुआ है? जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ कमियाँ भारत में रही हैं, भारत की जनता में रही है, यहाँ के नीति निर्धारकों में रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट गई है जिसकी सजा आज भारत की तमाम जनता को झेलनी पड़ रही है। मैं आलोक जी से एक सवाल करना चाहूंगा। आलोक जी, आज आपने पहला टीके का पहला खुराक ले लिया, देर आए दुरुस्त आए, टीका लेने में इतनी देर क्यों लगाई आपने? देखिए, इसके दो तीन कारण है। एक तो मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था कोविड-19 के दौरान, जब लोगों के बीच मौजूद था, लोगों की सहायता कर रहा था यथासंभव, तो उस समय मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मैं फिर जब ठीक हुआ तो कई सामाजिक कार्यक्रम और दिल्ली वगैरह, दो ही तीन महीने तो आपको समय मिले थे, और दिसंबर और जनवरी, यही दो महीने में लोगों का लगा कि अब जीवन शायद यथावत लौटना शुरू होगी, लेकिन फिर से जो है वो स्थितियां वही उत्पन्न हो गई। तो इधर दो तीन दिनों से हम लोग वैक्सीनेशन के कैंप में जा रहे थे, तो मैंने महसूस किया कि लेना चाहिए, तो मैंने लिया। इसमें कोई ये नहीं, हमारे अध्यक्ष जी तमाम लोगों ने लिया, ये विषय नहीं। अभी निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी 42 वर्ष के हैं, तो क्यों उन्होंने जो है वो ये ले लिया, टीका ले लिया। तो ये जो विषय है, कोरोना वॉरियर्स हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, रोज जो है संक्रमित जगह जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो ये विषय जो है वो निशिकांत दुबे जी ने उठाया, ये नहीं है, देर दुरुस्त की बात नहीं है। कोविड वैक्सीन लेना हमारे यहाँ, देखिए यही मैं फिर से कहूंगा कुंदन जी, आप बहुत ही अनुभवी आदमी हैं और आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, आप देखिए कि वैक्सीनेशन हम क्यों नहीं कर पाए। आप जब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हमने 10,000 करोड़ रुपए नेपाल की सहायता की, बहुत अच्छा बात है, हमें सहायता करना चाहिए,
किसान भी जब अपना फसल लगाता है और जब फसल काटता है तो अपने साल भर का धान और चावल रख लेता है, जब उसके पास बचता है तब या तो वो मंडियों में बेचता है या कहीं पर देता है। ये प्रधानमंत्री जी ठीक है, हमको विश्व गुरु भी बनना है, दुनिया गुरु बनना है, जहान गुरु बनना है, संसार गुरु बनना है, लेकिन 130 करोड़ आबादी का भी तो ख्याल करना है। हमें अपने टीका जो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने कहा कि भारत का टीका जो है वो काफी अच्छा है, तो फिर हमारे हमारे धीमी गति क्यों इतनी रही कि हम जो है लोगों को नहीं दे पाए। जब कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती रही राहुल जी सोनिया जी ने कि 45 वर्ष से नीचे और 18 वर्ष के बीच, क्योंकि ये जो दूसरी भयावह स्थिति वाली कोरोना है ये न उम्र देख रही है और न समय दे रही है। आप देखें कि आपके चेहरे पर भी वो आपके माथे पर भी बल पड़ जाते होंगे, जब कई ऐसे चेहरे को आप देखते होंगे जिनकी जाने की अभी उम्र नहीं है। ठीक है आलोक जी, आलोक जी, लेकिन वो वक्त भी दुनिया ने देखा था, लोगों ने देखा था, जब आप ही वो लोग थे जब कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे वैक्सीन को लेकर के और अफवाहें फैलाई जा रही थी, और आज फिर कांग्रेस ही वो पार्टी बनकर के सामने आ रही है जब वैक्सीन के सपोर्ट में बोल रही है। सुरभी जी रॉन्ग स्टेटमेंट, कभी कांग्रेस ने अफवाह नहीं फैलाई, कांग्रेस ने हमेशा अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। कभी हमने जब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे, सर मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये सवाल उठाए गए थे कि अगर जब तक अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है वैक्सीन तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। नहीं, कभी नहीं कहा कि वेरीफाई नहीं हुआ है। हमारे नेताओं ने ये कहा कि कोविड का जो वैक्सीन तैयार हुए हैं उस वैक्सीन को सत्यता देखते हुए इमीडिएट युद्ध स्तर पर लोगों को लगाया जाए। विपक्ष के सवालों को आप इस तरह से देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही तुरंत से कह देते हैं। अगर प्रियंका गांधी कोई सवाल उठाते हैं तो इनके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू तक चले जाते हैं। नहीं सर, सवाल करना तो हमारा काम है, सवाल तो हम करेंगे ही, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रही थी मैं कि अगर कांग्रेस ने और आपको एक बार फिर से होमवर्क करने की शायद से जरूरत पड़ जाएगी, आप भी पहले के स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात में गलत नहीं हूँ, राहुल गांधी भी अब तक उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है। देखिए राहुल गांधी जी ने भले वैक्सीन नहीं लिया हो, बहुत लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, बहुत लोग वैक्सीन ले रहे हैं, बहुत लोग वैक्सीन लेंगे। पहली वैक्सीन आज पहले मैंने कहा ना, निशिकांत दुबे जी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वैक्सीन ले लिया तो गुनाह कर दिया। राहुल गांधी वैक्सीन ले लेते तो कहते कि जो है पहले राहुल गांधी वैक्सीन ले लिए, उन्हें देश की चिंता नहीं है, इतनी हड़बड़ी में है, अपनी जान की उनकी इतनी फिक्र है कि पहले वैक्सीन ले लिया। ये बात नहीं, आप हम चित भी आपकी पट भी मेरी, हम कुछ भी करते हैं, अगर प्रियंका गांधी सवाल उठाती है तो ये काम बीजेपी के तमाम नेता पंडित नेहरू तक पहुंच जाते हैं। अरे पंडित नेहरू का ही बनाया हुआ अस्पताल है एम्स, जो आज देश की सेवा कर रहा है। झारखंड में भी वही 40 साल पहले अस्पताल बने हैं रिम्स, जहां लोग इलाज करा पा रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। देखिए आलोक जी, सवाल तो यही नहीं कि एम्स किसके सरकार में कितना बना, ये तो सबको पता है साफ तौर पर। कुंदन जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आलोक दुबे जी लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है चित भी हमारी पट भी हमारी, ये क्या कहावत हो गई, क्योंकि लगातार ये तो लोग देख ही रहे हैं कि पहले इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब जब वैक्सीन के डोजेस में कमी आई है तो इसको लेकर भी विपक्षी दल केंद्र पर हमलावर रह रहे हैं। देखिए सुरभि, आलोक जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के लिहाज से हमारी ज़रूरतें 260 करोड़ डोजेज की रही। अब केंद्र को यह तय करना था कि वह हमारी जनता को, भारत की जनता को किस तरीके से फेज वाइज हम वो मुहैया करा सकें। आज आप देखें कि हमने टीके का 16 जनवरी से जैसे ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, हमने टीके को अपने देश की जनता के साथ साथ उसे निर्यात करना भी शुरू कर दिया। हमने मैत्रीवश कई देशों को टीका भिजवाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम पहले अपने घर की चिंता करेंगे या पड़ोसी देशों की चिंता करेंगे। आज अमेरिका और रूस हमें मदद भेज रहे हैं, लेकिन मदद में वह राहत सामग्री है,
टीका को कोविड का टीका नहीं भेजा जा रहा है और जिस तरीके से कोविड का यह दूसरा स्ट्रेन आया है, यह खतरे के जिस तरीके से विकराल रूप खतरे का लेकर आया है, वह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तमाम नीतियों पर एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा करता है। आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, झारखंड की स्थिति क्या है, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस एक सहयोगी पार्टी के तौर पर सरकार में शामिल है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से आते हैं, इन परिस्थितियों में झारखंड की स्थिति क्या है, क्या 1 मई से झारखंड में 18 साल से अधिक युवाओं को हम टीका लगाने की स्थिति में हैं या नहीं है? बिल्कुल कुंदन जी, मैं आपके प्रश्नों का बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है और आज के दिन में ये सवाल का बहुत प्रासंगिक है जो आपने पूछा है। नंबर वन की झारखंड के स्थिति, झारखंड इस देश से अलग नहीं है, जो भयावह स्थिति देश में है वही भयावह स्थिति रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है, जमशेदपुर में। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अभी तक गाँव के अंदर में ये तूफान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूर यहाँ आना शुरू कर दिए हैं उससे लेकर के चिंताएं बढ़ रही। पिछली बार हम लोगों ने स्कूलों में, सामुदायिक भवनों में आइसोलेशन सेंटर बनाया था और वहीं दाल भात की व्यवस्था की थी कि लोग वहीं रहें, वहीं खाना खाएं और जब स्थिति ठीक हो जाए, वो निगेटिव हो जाए या उनके पास संक्रमण नहीं हो तब वो पहुंचे। तो एक चुनौती हमारे लिए ये है जिसकी जो है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कोरोना के टीके के लिए क्या झारखंड तैयार है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं बन्ना गुप्ता जी को। देखिए, आज से 10 दिन पहले, जब 15 दिन पहले 6 अप्रैल एक तरह से समझिए आप जो कोरोना का अटैक हुआ है वो 6 अप्रैल से 5 अप्रैल से होना बहुत भयावह शुरू हो। उस समय जो परिस्थिति थी, आज के परिस्थिति में हमने बहुत अच्छी स्थिति कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं उस प्रदेश में जहाँ हम दूसरे प्रदेशों को टैंकर से ऑक्सीजन भेज रहे हैं, हवाई जहाज से खाली टैंकर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, उसको भी भर करके हम भेज रहे हैं, गुजरात भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हमारे पास कमी है तो वेंटिलेटर की कमी है, रेमडेसिविर दवाई की कमी है और उसकी कमी है जो केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद आलोचनाओं और समालोचनाओं का ये वक्त नहीं है, राज्य की सरकार अपना पूरा एफर्ट लगा रही है और जो स्थितियां थी वो बहुत अच्छी, आज हम कह सकते हैं कि हमने सुधार करने का काम किया है। कई जगहों पर आइसोलेटेड और ऑक्सीजन सपोर्टेड वेड तैयार किया है और हम जो है पूरी तरह से 18 साल से उम्र के बच्चों के लिए फ्री वैक्सीन के लिए तैयार है। राज्य सरकार उस वित्तीय वहन करने को तैयार है। अब आप भी जरूर ध्यान में रखिएगा और कभी कभार इन भाजपा के, मैं कहूँ आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इन भाजपा के जो यहाँ 12 सांसद झारखंड की जनता ने दिया है, जो हर छोटी बड़ी बातों पर ये नेतागण ट्वीट किया करते हैं, इनसे जरूर पूछिएगा कि क्या झारखंड में वैक्सीन आएगी। अभी तक तो नहीं आई है, कल ही 1 मई है, मजदूर दिवस है, कल ही से वैक्सीनेशन शुरू करना है, तो स्थिति आपके सामने है कुंदन जी। लेकिन राज्य की सरकार पूरी तरह से तैयार है हर चुनौतियों का सामना करने। हेलो, ठीक जी आलोक जी, आपकी बात हमने सुनी। कुंदन जी, आपके सवालों का जवाब भी आलोक जी ने दिया, लेकिन ये जो पूरा अभी दृश्य हम देख रहे हैं आलोक जी, तो आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कमी कर रही है और उनके तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है जिस वजह से 1 मई से टीका नहीं लगाया जा पाएगा 18 से 44 वर्ष के लोगों को, तो क्या आप किस तरीके से लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि राज्य सरकार उनकी मदद के लिए तत्पर है? राजनीति का हम तो नहीं, हम तो ये तो इन्हीं को करना है प्रबंध, ये तो जो करना है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो निर्माता है। अभी देखिए, मैं एक
उमंग सिंघार जी हैं हमारे लिए मध्य प्रदेश के गुरु वन और पर्यावरण मंत्री जी, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार 7 कंपनियों को ये दवाइयां बनाने की ठेका दिया है, जबकि 30-40 कंपनियां इस देश की कई ऐसी नामी गिरामी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों के कोलेबोरेशन से यहाँ दवाइयां बनाने को तैयार है, रेमडेसिविर दवा उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको नहीं दे रहे हैं अनुमति करने के लिए, सिर्फ वो साथ ही ठीक है बहुत क्यों घरानता है जो उसको दे रहे हैं जी। तो टीका तो हम नहीं प्रोडक्ट करते हैं जी, जी बिल्कुल तो केंद्र सरकार को देना है जी बिल्कुल, और उसमें भी केंद्र सरकार की जो है मदद की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो अब केंद्र सरकार को तय करना है। जरूर आप उनसे सवाल पूछिएगा कि झारखंड को कितने जो है वो वैक्सीन आपने उपलब्ध कराए हैं, कितने दिनों का कोटा आपने दिया है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन की आपने उपलब्ध कराए हैं, ये तो केंद्र सरकार को देना है। लेकिन मैं जहां तक जान रहा हूँ, आज भी मैं माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख जी के साथ बैठा हुआ था। ठीक आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका, माफ कीजिएगा, आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, और आपकी बात हमने सुनी, सरकार केंद्र सरकार से भी लगातार सवाल हम करते रहते। कुंदन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, तो आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद वीआईपी न्यूज की तरफ से। और ये जो पूरा मामला अभी तक बताया जा रहा है, जो आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में वैक्सीन को लेकर भी सवाल निशान लगातार खड़े हो रहे हैं, अब देखना ये होगा कि वाकई क्या केंद्र सरकार जल्दबाजी करेगी और आखिर झारखंड तक ये वैक्सीन पहुंचाया जाएगा तो कब तक। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।